जेई मेंस 2022 के सेकेंड अटेम्प्ट के लिए अब हमारे पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं रह गया है, और आप में से कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स हो सकते हैं जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट में मैथ्स में उतना बढ़िया परसेंटाइल ना आया हो। तो यहाँ पे इस वीडियो में हम ऐसे कुछ टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि मैथ्स के सबसे ज्यादा ईजी स्कोरिंग है। अगर आपने जो है उनमें एक अच्छा खासा स्कोर ले आए तो आपके परसेंटाइल भी अच्छे बन सकते हैं, क्योंकि अगर हम जो है फर्स्ट अटेम्प्ट का डेटा देखें तो यहाँ पे आपकी जो मोस्ट डिफिकल्ट शिफ्ट हुई थी ना, उसमें 99% जो है वो 40 मार्क्स पे बन गए थे, और जो आपकी मोस्ट इजी शिफ्ट भी थी उसमें भी 55 मार्क्स पे आपके 99% बन रहे थे, एंड एवरेज अगर हम सारी शिफ्ट का ले तो 40 मार्क्स के आसपास जो है 99% बन जा रहे थे। 40 मार्क्स यानी कि कितना हो गया यार, आपका लगभग जो है 10 क्वेश्चन आपको यहाँ पे पूरे तरीके से सही करना है। तो यहाँ पे जरूरी ये हो जाता है कि ज्यादा क्वेश्चन हमें मैथ्स में नहीं अटेम्प्ट करना है, बल्कि जो भी क्वेश्चन हम अटेम्प्ट कर रहे हैं उन्हें सही करना है। तो यहाँ पे आपका जो है क्वेश्चन पिकअप का जो प्रोसीजर है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। तो ये वीडियो जो है आपको यही हेल्प करने वाला है, यहाँ पे ऐसे कौन से टॉपिक्स है जिसमें आप एफर्ट्स कम डालो और मार्क्स ज्यादा गेन कर पाओ, ये चीज यहाँ पे कवर हुई है, ताकि आप कम से कम 40 मार्क्स के आसपास जो है मैथ सेक्शन में ला पाए। तो ये ऐसे कुछ टॉपिक्स है जो कि आप बचे दिनों में अच्छे तरीके से और प्रिपेयर कर सकते हो और इनमें एक अच्छे मार्क्स ला सकते हो। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा हो जाता है डिफरेंशियल इक्वेशन, जहां से जो है आपकी फर्स्ट अटेम्प्ट के शिफ्ट में लगभग हर शिफ्ट में जो है दो क्वेश्चन देखने को मिले। अब इनमें भी कुछ टॉपिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एक तो हो गया कि ऑर्डर और डिग्री को किस तरीके से हम निकालते हैं फॉर अ डिफरेंशियल इक्वेशन, देन डिफरेंशियल इक्वेशन हम किस तरीके से फॉर्म करते हैं, और तीसरी चीज हो जाती है कि सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसके अंदर आपके कुछ मेथड्स जैसे कि मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स, सॉल्यूशन ऑफ होमोजेनियस इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ टाइप dy by dx plus px into y is equal to qx, जो कि मोस्ट रिपीटेड कॉन्सेप्ट भी था आपका। तो इस टाइप के जो है आपको अच्छे तरीके से कर लेना चाहिए टॉपिक्स डिफरेंशियल इक्वेशन के अंडर। देन सेकंड अगर हम बात करें तो वेक्टर्स, वेक्टर्स भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक था, जहां पे हर शिफ्ट में लगभग एक या दो क्वेश्चन देखने को मिले। तो सबसे पहली चीज जो है इसमें आपकी इंपॉर्टेंट हो जाती है प्रोडक्ट ऑफ दो वेक्टर, जो कि आप ऑलरेडी कवर कर लेते हैं फिजिक्स में। तो डॉट प्रोडक्ट हो जाता है एक आपका, और एक क्रॉस प्रोडक्ट हो जाता है, जो कि आप फिजिक्स में भी देखते हैं। देन दूसरा इसमें प्रोजेक्शन कॉन्सेप्ट रहता है, वो भी आपके लिए काफी यूजफुल है। इसके अलावा एरिया ऑफ ट्राइंगल किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, पैरेललोग्राम का जो एरिया है वो किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। देन प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स, ये भी काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और फिजिक्स में मतलब आपने नहीं पढ़ते ये चीज, तो ये आपके लिए मैथ्स में एक काइंड ऑफ एक्स्ट्रा सेक्शन हो जाता है। इसके अलावा जो वेक्टर्स अपने कोलिनियर होते हैं तो उसके लिए क्या कंडीशन होती है, कोप्लेनर होते हैं उसके लिए क्या कंडीशन होती है, वो भी अच्छे तरीके से देख लीजिए। अगले अगर हम टॉपिक की बात करें, दैट इज सीक्वेंस एंड सीरीज, जिसके अंदर आपकी हर शिफ्ट में लगभग एक या दो क्वेश्चन देखने को मिले थे आपके जून अटेम्प्ट में। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज है यार, आपकी स्पेसिफिकली जो है तीन प्रोग्रेशन होते हैं, एक अरिथमेटिक होता है, एक ज्योमेट्रिक होता है, एक हार्मोनिक होता है। तो इनसे रिलेटेड फॉर्मुलेस को एक बार अच्छे से देख लीजिए। देन अरिथमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन होता है, इस इनइक्वालिटी को अच्छे से समझ लीजिए। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को देख लीजिए। एजीपी प्रोग्रेशन के बारे में समझ लीजिए, उसका सम हम किस तरीके से कैलकुलेट करते, और सिग्मा की जो प्रॉपर्टीज होती है उनको एक बार देख लीजिए। अब अगर हम अगला टॉपिक की बात करें, दैट इज मैथमेटिकल रीजनिंग, जहां से एक क्वेश्चन आपका हर शिफ्ट में लगभग फिक्स था। तो यहाँ पे जो आपको इंपॉर्टेंट चीज है वो हो जाती है लॉजिकल ऑपरेशंस, ठीक है ना, एंड और, इफ देन, इफ एंड ओनली इफ, तो इनकी ट्रुथ टेबल आपको बनाते आनी चाहिए। देन टॉटोलॉजी रिलेटेड क्वेश्चंस काफी देखने को मिले, कॉन्ट्राडिक्शन हो गया आपका, कन्वर्स, कॉन्ट्रापॉजिटिव, तो इनके बारे में अच्छे से समझ लीजिए। अगले अगर हम टॉपिक की बात करें, दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, जहां से लगभग हर शिफ्ट में आपका एक क्वेश्चन फिक्स था। तो इसके यार काफी सारे टॉपिक्स आप ऑलरेडी प्राइमरी क्लासेस में पढ़ लेते हैं, तो ये आपके लिए उतना ज्यादा टफ नहीं पड़ता है। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आप नए पढ़ते हैं वो हो जाते हैं कंडीशन ऑफ कॉमन रूट्स, लोकेशन ऑफ रूट्स। इसके अलावा कुछ जो है लीनियर इनइक्वालिटी रिलेटेड भी आपसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, जिसमें वेवी कर्व मेथड काफी ज्यादा यूजफुल होता है, तो इसको एक बार देख लीजिएगा। अगले अगर हम टॉपिक की बात करें, दैट इज डिटर्मिनेंट्स, ठीक है। तो मैट्राइसेस के कंपैरिजन में अगर बात करें तो डिटर्मिनेंट्स काफी इजी पड़ता है, और इसमें यार आपको जो मेन फोकस रखना है वो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स पे रखिए, ठीक है, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इसके अलावा कुछ डिटर्मिनेंट्स के क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें हम डायरेक्ट सब्सटीट्यूट कर ले वैल्यू, तो और क्वेश्चन जो है आसान हो जाता है। और जो अदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, दैट आर क्रैमर्स रूल हो गया आपका, टेस्ट ऑफ कंसिस्टेंसी हो गया, सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस इन टू और थ्री वेरिएबल्स। ज्यादातर क्वेश्चन थ्री वेरिएबल्स वाले ही पूछे जाते हैं, क्योंकि टू वेरिएबल्स तो बहुत ईजी हो जाता है। अगला अगर हम बात करें, दैट इज एरिया अंडर द कर्व्स। तो देखो इंटीग्रल कैलकुलस में ये एक ऐसा टॉपिक है जहां पे आप बहुत इजीली मार्क्स निकाल सकते हो। एक सिंपल सा प्रोसीजर होता है, आपको कर्व अगर आपने अच्छे से बना लिया तो फिर से भी इंटीग्रेट करना है,
अब बेसिक इंटीग्रल्स को जो है वैल्यू निकालना आपको आना चाहिए, तो कुछ मेथड्स आपके लिए नोन होना चाहिए। तो सब्स्टिट्यूशन वाले जो कुछ मेथड्स हैं उनको अच्छे से समझ लीजिए। यहाँ पे कुछ मैंने आपको इंटीग्रल्स बता दिए जो कि आपको और अच्छे से इनके फॉर्मूलेस देख लेना चाहिए, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगले अगर हम टॉपिक की बात करें, दैट इज लिमिट्स, जहां से हर शिफ्ट में लगभग एक क्वेश्चन देखने को मिला। इसमें कुछ स्टैंडर्ड लिमिट्स हो जाती है, जैसे कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के कैलकुलेट करना, गिफ्स की, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन की, इस टाइप के क्वेश्चन फर्स्ट अटेम्प्ट में देखे गए। सैंडविच थ्योरम भी काफी इंपॉर्टेंट है, डेफिनेट इंटीग्रल्स एज अ लिमिट ऑफ सम, ये आप डेफिनेट इंटीग्रल में भी देखते हो और लिमिट का भी टॉपिक है, तो जहां भी पढ़े इसको भी अच्छे से देख लीजिए, एक आधा क्वेश्चन जो है आ सकता है आपकी शिफ्ट में। देन इसके अलावा न्यूटन लेबनीज फॉर्मूला इन इवेल्युएटिंग लिमिट्स, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब अगर अगला बात करें हम, तो दैट इज कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, इसका भी आपको एक क्वेश्चन हर शिफ्ट में देखने को मिल जाता है। इसमें स्पेसिफिकली ये पूछा जाता है डिसकंटिन्यूटी ऑफ वेरियस फंक्शन, जैसे कंपोजिट फंक्शन होगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, इस टाइप के फंक्शंस में डिसकंटिन्यूटी बताना। देन नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट्स कैलकुलेट करना, तो उसके लिए बेसिकली जो फंक्शन आपको दिया रहता है उसका ग्राफ प्लॉट करते हैं, और जहां जहां भी शार्प कॉर्नर है वो सारे आपके नॉन डिफरेंशियल पॉइंट हो गए, तो ये वाला सिंपल सा लॉजिक लगता है। इसके अलावा एओडी के भी कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, जैसे रोल्स थ्योरम हो गया और एलएमवीटी हो गया, तो ये भी इजी टॉपिक्स है, तो इनको भी एक बार देख लीजिए। बस फॉर्मूले से रिलेटेड दो तीन सॉल्व एग्जांपल देख लेंगे, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो लास्ट के बचे हुए टाइम में यार ये काफी इजी टॉपिक्स है, इनको बिल्कुल छोड़ के मत जाइए। अगर यहाँ से आप सोचिए ना कि 20 या 30 नंबर भी ले आते हैं, तो आपने देखा टेबल के हिसाब से आपके एक अच्छे परसेंटाइल हो जाएंगे, तो ये चीज हमें देखने को मिल रही है। मैथ्स का पेपर वैसे ही टफ आ रहा है, तो हमें कुछ क्वेश्चन को अच्छे वालों को पिक करना होगा जो कि हम कंफर्टेबली कर पाए। अगले अगर हम टॉपिक की बात करें, दैट इज सेट्स एंड रिलेशंस, तो ये भी जो है आसान टॉपिक है। इसमें जो है बेसिकली आपको सेट्स के रिलेटेड सारी प्रॉपर्टीज को देख लीजिए, यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट वाले जो फॉर्मूले से उनको देख लीजिए, एल्जेब्रिक प्रॉपर्टीज हो गई, नंबर ऑफ सबसेट्स कैसे कैलकुलेट करते वो देख लीजिए, और कुछ रिलेशन की चीजें भी देख लीजिए, टाइप्स ऑफ रिलेशन एंड इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इक्विवेलेंस रिलेशन ही जो है आपका मोस्ट रिपीटेड टॉपिक होता है रिलेशन से रिलेटेड। तो ये टॉपिक के भी एक क्वेश्चन जो है ऑल्टरनेट शिफ्ट्स में देखने को मिला, तो किसी शिफ्ट में आया, फिर किसी में नहीं आया, फिर किसी में आया, तो ये आपका उस टाइप का टॉपिक है। देन स्टेटिस्टिक्स भी ऐसे ही था, जिसमें आपका एक क्वेश्चन जो है अल्टरनेट शिफ्ट्स में आया। इसमें जो है आपको कैलकुलेशन ऑफ मीन, मीडियन, मोड, ये आप ऑलरेडी प्राइमरी क्लासेस में पढ़ लेते, तो इसमें आपका थोड़ा एक्स्ट्रा क्या हो जाता है, कैलकुलेट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरियंस, मीन डेविएशन फॉर ग्रुप एंड अनग्रुप डेटा। ठीक है, कुछ नंबर्स का आपको मीन दे देते हैं, कुछ का वेरियंस दे देते, दो नंबर्स उसमें जो है वेरिएबल्स रहते हैं तो उनको फाइंड करिए, इस टाइप के जो है क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। और जो एक टॉपिक हो जाता है वो है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, तो इसका भी एक क्वेश्चन हमें अल्टरनेट शिफ्ट्स में देखने को मिला है, जिसके अंदर आपको बेसिकली जो है ये वाले सॉल्यूशंस अच्छे से समझ में आने चाहिए। साइन थीटा इक्वल टू जीरो के लिए जो है थीटा इज इक्वल टू एन पाई होता है, और इस टाइप से, तो ये सारे फॉर्मुलेस आप अच्छे से कर लीजिए और आपका जो है इसमें काम हो जाएगा। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक्स है जहां पे यार आपको बहुत ज्यादा एफर्ट्स डालने की जरूरत नहीं है, बट यहाँ पे आपको मार्क्स जो है मिल सकते हैं। तो इन टॉपिक्स को आपको आप किस तरीके से करना है ये चीज भी आप सोच रहे होंगे, तो यहाँ पे मैं आपको सिंपल सा मेथड बताऊंगा कि एक बार जो है आप इनके सारे फॉर्मुलेस को अच्छे तरीके से देख लीजिए, क्योंकि आपने ऑलरेडी इन चैप्टर्स को पहले भी पढ़ा होगा, तो बस हमें फॉर्मुलेस को अच्छे से देखना है। हो सकता है कुछ फॉर्मुलेस आपको क्लियर नहीं हो, तो उनसे रिलेटेड सॉल्व एग्जाम्पल्स को लास्ट टाइम पे देख लीजिए, ठीक है, कोई एक अच्छी बुक से, तो वो कॉन्सेप्ट आपको जो है क्लियर हो जाएंगे। इसके अलावा सॉल्व PYQs कर लीजिए 2021 JEE Mains के एंड 2022 के, अभी जो आपकी जून शिफ्ट हुई है, अगर आपने ये चीज जो है कर ली, तो इसके अलावा आप 2020 के शिफ्ट्स के भी कर लीजिए, आपके और कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। बट मान लीजिए टाइम नहीं है अभी उतना आपके पास, तो ये भी जो है आपके लिए सफिशिएंट रहेगा, इससे आप यार एक अच्छा खासा स्कोर ला सकते हो। अब एक छोटा सा डिस्क्लेमर ये देना चाहूंगा कि ये चैप्टर्स डेफिनेटली आपको 40 मार्क तक दिला सकते हैं, बट कभी कभी कुछ पॉसिबिलिटीज होती है जिनको हम नेग्लेक्ट नहीं कर पाते, जैसे कि एबनॉर्मल वेटेज हो गया, या फिर लेवल ऑफ डिफिकल्टी पेपर की एकदम से बढ़ गई, इनमें से कोई टॉपिक बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन पूछ लिया, तो उस चीजों के लिए भी हमें तैयार रहना पड़ेगा, या फिर इम्प्योर क्वेश्चन पूछ लिए, ठीक है, डिटर्मिनेंट्स के साथ पीएनसी का भी कॉन्सेप्ट मिक्स कर दिया, तो हल्का फुल्का आपको सारे चैप्टर्स का थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए, ठीक है, बहुत डिटेल में नहीं भी पता हो तो कम से कम हम मिक्स्ड क्वेश्चन के लिए तैयार तो रहे, ये चीज के लिए आपको तैयार रहना होगा। तो बाकी जो आपके चैप्टर से उनसे रिलेटेड भी कुछ फॉर्मूलेस को देख लीजिए, बाकी इन टॉपिक्स पे जो है आप थोड़ा ज्यादा जो है एफर्ट्स डाल दीजिए, क्योंकि यार इसमें आपको कम एफर्ट डालने पे एक अगर अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं, और लास्ट टाइम पे हमें इन्हीं पे फिर जो है ज्यादा फोकस करना चाहिए। तो एक बात जो है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आप कितना टारगेट स्कोर लेके चल रहे हैं मैथ्स में सेकेंड अटेम्प्ट के लिए, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यार 40-60 के रेंज में ही आपका एक बहुत बढ़िया परसेंटाइल आ सकता है, तो कम से कम उतना टारगेट आपको रखते हुए चलना चाहिए, ठीक है। तो होपफुली यार ये वीडियो आप सभी के लिए बेनिफिशियल रहेगा, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।